है बलिया जनपद की, जहां आए दिन होने वाली आपराधिक मामलों के बढ़ने से पुलिस महकमा अपने आप होता जा रहा है। वहीं गरीबों के प्रति पुलिसिया अत्याचार को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने वाले पत्रकारों को अब गरीबों को प्रताड़ित करने के आरोपी पुलिस अधिकारी अब पत्रकारों पर रोक भाग रहे हैं, कवरेज के दौरान कैमरा छीन ले रहे हैं और सार्वजनिक रूप से यह भी कह दे रहे हैं कि जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना। हम बात कर रहे हैं कोतवाल रसड़ा की। इनके खौफ से रसड़ा के साथी पसंद और गरीब खौफ जता है कि न जाने कोतवाल साहब कब सरेआम बेइज्जती कर दे। डीजीपी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत होने पर पत्रकारों को अब धमका रहे हैं कोतवाल रसड़ा। सीएम योगी ने पूरे प्रदेश में कानून के राज होने की बात कही तो फिर क्या कोतवाल रसड़ा को गरीबों मुजरिमों का शोषण करने और पत्रकारों को धमकाने के लिए सीएम एवं पुलिस अधीक्षक बलिया ने विवाद छोड़ दिया है। मामला रसड़ा कोतवाली अंतर्गत रेलवे स्टेशन का है, जहां पर स्टेशन परिसर के बगल में पानी टंकी के बंद कमरे में जीआरपी के सिपाही द्वारा वर्तमान महिला प्रधान के देवर के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। बात बढ़ते देख जानकारी होने पर मौके पर पहुंची रसड़ा पुलिस। बलिया से हमारे संवाददाता नवल जी की खास रिपोर्ट। यह मतलब हम घर पर थे, मेरा देवर बता रहे थे कि और पिछले घर में घुसे थे। कौन घुसा था पता नहीं, पानी टंकी क्या है उनका नाम हमको पता नहीं। वो पानी चलाते हैं, पानी चलाते हैं, ऑपरेटर है, पानी ऑपरेटर। फिर तो ये देखे हैं सब, देखे हैं सब, तो वो कह रहे सब बताओ ना, कोई ईटा चला के मारे हैं सब, तो ये देख रहे थे पीछे से आ रहे हैं सब लड़के दोनों हमारे देवर। आई दोनों को पकड़ के उसे भाग गए हैं, ईटा चला रहे थे, पत्थर चला रहे वाले भाग गए सब। ऐ लोग को पकड़ के वो देखा है और उसको भागते हुए खड़ा देख रहा था। ये लोग हम कुछ किए नहीं, करवे नहीं किए, तो हम लोग क्या करेंगे सब। कौन मारा है? जीआरपी वाले, जीआरपी वाले मारे सब, जीआरपी वाले थाने के सिपाही लोग मारे हैं, लोग आए हैं, लोग को मारे तो और मारे हैं, पानी छिड़क छिड़क मारे हैं सब। स्टेशन वाले